सो हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की ये वीडियो होने वाली है एंड्रॉइड गेमर्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 गेम्स जिनके ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड आप उन गेम्स को अपने एंड्रॉइड में चला सकते हो। सो यस, आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 हाई ग्राफिक्स गेम्स फॉर एंड्रॉइड। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बात करते हुए इस लिस्ट के फर्स्ट गेम की, जिसका नाम है बॉल ऑफ इंसैनिटी। तो पहले मॉडर्न कॉम्बैट 5 जैसी थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स आया करती थी, जिसमें हमें कैंपेन मोड भी देखने को मिलता था, बट ऐसी गेम्स काफी कम आती है। बट बॉल ऑफ इंसैनिटी में आपको कैंपेन मोड देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको एक्सप्लोरेशन भी देखने को मिलेगी और आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि आप जिस एरिया में हो वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। आपके रास्ते में अलग अलग ऑब्स्टिकल्स, अलग अलग और डेंजरस क्रिएचर्स आएंगे और आपको उन्हें मारना होगा और गेम में आगे बढ़ना होगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस गेम के ग्राफिक्स की, तो यार साइज के हिसाब से इस गेम के ग्राफिक्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और जहां तक मैं बात करूँ इस गेम के कंट्रोल की, तो यार इतने कुछ हार्ड नहीं है, मतलब इजी टू कंट्रोल है। तो यार ये भी एक अच्छी गेम है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करना। और जहां तक मैं बात करूँ इस गेम के साइज की, तो इस गेम का जो साइज है वो है 463 MB एंड ये गेम ऑफलाइन है। तो ये तो बात हुई हमारी लिस्ट के फर्स्ट गेम की, तो अब चलते हैं इस लिस्ट की नेक्स्ट या फिर सेकंड गेम की तरफ, जिसका नाम है डार्क बाइंड। तो डार्क बाइंड एक स्टोरी बेस्ड RPG गेम है एंड इस गेम में आपको काफी कुछ देखने को मिल जाता है। इस गेम में आपको हाई क्वालिटी कटसीन्स देखने को मिल जाते हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक स्टोरी लाइन बेस्ड गेम है एंड इसके साथ साथ आपको RPG स्टाइल भी इस गेम में देखने को मिल जाता है। इस गेम में आप वेपन अपग्रेडेशन कर सकते हो, उसी के साथ साथ बॉस बैटल्स भी आपको इस गेम में देखने को मिल जाती है एंड इस गेम के ग्राफिक्स जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड उसके साथ साथ आपको कैरेक्टर कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, मतलब आप अपने कैरेक्टर को वैसा बना सकते हो जैसा आप उसे बनाना चाहते हो। और जब इतना कुछ ही आपको इस गेम में देखने को मिल ही रहा है, तो आप सोच ही सकते हो कि इस गेम का साइज थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो इस गेम का जो साइज है वो है 4.5 GB एंड ये गेम ऑनलाइन है। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड बात करते हैं इस लिस्ट थर्ड गेम, जिसका नाम है DC वर्ल्ड कोलाइड। तो इस गेम का नाम सुनकर आप अब तक तो ये समझ ही गए होंगे कि ये एक DC यूनिवर्स पे बेस्ड होने वाली गेम है, जिसमें आपको DC के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे सुपर हीरोज से लेकर सुपर विलन सभी आपको देखने को मिल जाएंगे एंड अगर आप चाहो तो हीरोज से भी खेल सकते हो एंड विलन से भी खेल सकते हो। एंड ये एक टर्न बेस्ड गेम है, जहां पर एक बार आप अटैक करोगे और एक बार एनिमी अटैक करेगा एंड जब आप कोई स्पेशल मूव परफॉर्म करोगे तब उसकी जो एनिमेशन है ना वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये ठीक ठाक सी गेम है। और जहां तक मैं बात करूँ इस गेम के कॉन्सेप्ट की, तो यार टर्न बेस्ड कॉन्सेप्ट ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते, बट लेकिन अगर आपको ऐसी गेम्स पसंद है तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना। इस गेम का जो साइज है वो है 1.3 GB एंड ये गेम ऑनलाइन है। तो अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की, जिसका नाम है राइज ऑफ डीमंस। मैं जब भी इस गेम को देखता हूँ मुझे एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर PC और कंसोल की टाइटल याद आती है, जिसका नाम है डूम, क्योंकि ये गेम डूम से काफी ज्यादा सिमिलर है, तो हम इसे डूम का एंड्रॉइड अल्टरनेटिव भी बुला सकते हैं। और इस गेम में ऐसा नहीं है कि आपके सामने यही 2-3 क्रिएचर्स आ जाएंगे, आपके सामने क्रिएचर्स की पूरी एक वेव्स आएंगी एंड वो सभी क्रिएचर्स आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले कि वो आपके ऊपर अटैक करे आपको अपने वेपन्स का यूज करना है एंड उन्हें फिनिश कर देना है। और टाइम के साथ साथ आप अपने वेपन्स को अपग्रेड करते जाओगे और न्यू वेपन्स लाइक ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर भी एक्सेस कर पाओगे। तो इस गेम में कुल मिलाकर आपको बस इतना करना है कि आपको अपने एनिमीज से बच के रहना है एंड उसके साथ साथ उनको खत्म भी करना है, और ये सब आपको एक लिमिटेड एरिया जिसमें आपको लिमिटेड स्पेस दिया जाएगा उसमें करना होगा। और ये चीज इस गेम को थोड़ा सा मुश्किल बना देती है। एंड जहां तक मैं बात करूँ इस गेम के साइज की, तो इस गेम का साइज है 356 MB एंड ये गेम ऑफलाइन है। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं इस लिस्ट की नेक्स्ट या फिर लास्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है वॉर आफ्टर। तो वॉर आफ्टर एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग PvP गेम है, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड में रियल टाइम से कहीं से भी अपोनेंट देखने को मिल सकते हैं एंड इस गेम में आपको काफी सारे वेपन्स या फिर गन्स भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि SMG, स्नाइपर राइफल और असॉल्ट राइफल, एंड टाइम के साथ साथ आप उन गन्स को अपग्रेड भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो, अपने गियर को इम्प्रूव कर सकते हो। और इस गेम में जो मैप्स दिखाए गए हैं उनमें भी आपको अच्छी खासी डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। और जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है इस गेम की वो है गेम के ग्राफिक्स, और टाइम टू टाइम इस गेम के लिए अपडेट आते रहते हैं और जितने अपडेट्स आते हैं उतनी ही ये गेम इम्प्रूव होती रहती है। और जो इस गेम के ग्राफिक्स है ना, जो कि आप देख ही सकते हो काफी ज्यादा अच्छे हैं, इस गेम के ग्राफिक्स के हिसाब से इस गेम का जो साइज है वो सही में कुछ भी नहीं है। तो इस गेम का जो साइज है वो है सिर्फ 154 MB एंड ये गेम ऑनलाइन है। सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो, मैं आपको टॉप 5 हाई ग्राफिक्स गेम्स फॉर एंड्रॉइड बता चुका हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी वीडियोज़। गुड बाय।